मॉल 91 में आप अपने पैसे को विड्रॉल करने के लिए उसकी केवाईसी करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉल 91 एप्लीकेशन में किस प्रकार से आप केवाईसी कर सकते हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और पैन नंबर कहां पे डालना है। तो चलिए ले चलता हूं सीधे मॉल 91 की स्क्रीन पे, जहां से हम जानेंगे कि हमें मॉल 91 में कैसे केवाईसी को कंप्लीट करना है। मैं अपने मॉल 91 एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और दिखाऊंगा कि आप कहां से अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अपने डैशबोर्ड पर आना है और डैशबोर्ड पर आने के बाद जहां पर आपकी अर्निंग आती है वैलेट पर क्लिक करना है। चलिए देख लेते हैं, यहां से वैलेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा जहां पर अर्निंग लिखी होगी और यहां पर दो ऑप्शन आएंगे ऊपर विड्रॉल और एक साइड में और ऑप्शन मिलेगा। स्क्रीन खुलने का वेट कर लेते हैं। देखिए पे बिल और विड्रॉल, तो विड्रॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे वाले पे आना है विड्रॉ आफ्टर कंप्लीट योर केवाईसी, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इंटर पैन कार्ड डिटेल, उसके बाद अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी पासपोर्ट, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड भी चलेगा। अब मैं यहाँ पर इंटर पैन डिटेल यानी कि पैन नंबर डालूंगा। उसके बाद अपलोड पैन फोटो, लेकिन मैंने पैन फोटोज की जगह पे भी आधार कार्ड को ही अपलोड किया था, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरी केवाईसी कंप्लीट हो गई। तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल के ओके कर दूंगा। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे मैं अपना आधार कार्ड का फ्रंट और बैक पेज भी अपलोड करूँगा। मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, उसमें आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ में और कोई डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मैं आधार कार्ड को अपलोड कर रहा हूँ। देखिए इतने सारे ऑप्शन, यहाँ पर चार डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना है, मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर सबमिट कर दूँगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट और बैक दोनों साइड की फ़ोटो मैंने डाल दी और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का योर केवाईसी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, 24-47 घंटे में मुझे अपडेट किया जाएगा। अब मैं 2 से 3 के बाद मैं फिर से देखिए चेक करता हूँ। तो अब आते हैं फिर से, अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि मेरी केवाईसी कंप्लीट हुई कि नहीं। मैं आज ये 2 से 3 दिन के बाद चेक कर रहा हूँ। तो चलिए मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और मुझे यहाँ वैलेट पर क्लिक करना है। वैलेट पर क्लिक करने के बाद आपको विड्रॉ पर जाना है। देखिए योर वैलेट बैलेंस 93 रुपीज़ और योर विड्रॉल अमाउंट। तो यहाँ पर मेरा जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था। तो आप आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से किसी को भी अपलोड करके अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए।